अंकुर, अनंतिया का कोई वीडियो शूट करना है, क्या करें यहाँ पे? कोई चैलेंज करा दो। चैलेंज? हॉरर चैलेंज तो अभी उसने किया था, तो क्या करा दें? दिव्या, एनी आइडिया? दिव्या, कोई आइडिया है आपके पास? आई थिंक हमें अनंतिया को फ्रीजिंग लेक के साइड में बैठाना चाहिए। बट यहाँ तो लेक ढूंढनी पड़ेगी। चलो और उसे पूछते हैं। So we want to give Anantya a challenge. Can you suggest me some challenge? I want to make a challenge in the igloo. Anantya, you want to take a challenge? Yes. Okay. So done. You will stay 24 hours in an igloo then. वेकेशंस और हॉलीडेज का मतलब होता है कि नई नई चीजें को एक्सप्लोर करना और नई नई चीजें को एक्सपीरियंस करना। इसके रूल्स है कि मुझे 24 आवर्स इन इग्लू रहना है, बट मैं बाहर आ सकती हूँ, बस मुझे स्नो में ही रहना है। आई कैन नॉट स्टेप ऑन अ सिंगल बिट ऑफ ग्रास और सॉइल और लैंड। लैंड इन द सेंस प्ले लैंड। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे, पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की। तो चलिए लेट्स। अब मैं जा रही हूँ सिर्फ फिल पॉप करने, और मैं ये सब कर रही हूँ तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है, और 1 लाख लाइक से कुछ जरूर बजा देना और शेयर कर देना। बाय बाय। चीटिंग करने की भी कोशिश कर ली है, खेल भी लिया है, सब कुछ कर लिया है, खाना भी खा लिया है। अब क्या करूं यार, सनसेट भी हो गया है, अब मैं क्या करूं? बोर हो रही थी तो मम्मा ने गेव अ ब्रिलियंट आइडिया कि हम लोग स्नोमैन बना सकते हैं। गाइस, अब हम लोग स्नोमैन बना रहे हैं, और इतना ईजी नहीं है स्नोमैन बनाना। ये लोग कैसे बनाते हैं स्नोमैन? मेबी टूल से। अगर आपको पता है कैसे बनाते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मम्मा, आप मेरी थोड़ी और हेल्प कर दोगी? ठीक है बेटा, मैं स्नो ले आती हूँ आपके लिए। थैंक यू। एंड माय स्नोमैन इज कंप्लीटेड। हे बारी, हाउ आर यू? यो 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 टू यू। अब मुझे अपने इग्लू की कीज मिल रही है। Keys, yeah, the keys from the, for the igloo. Yo, yo. Where are the keys? Here are they? Oh wow, let's go. So now we are going inside the igloo, और ये gallery के अंदर एक door है जिसमें हमारा room होता है। इसको pull करना है और ये खोला मैंने दरवाजा। Now there is a little lobby, right? And yeah, वहाँ पर लिखा है अंकुर एंड निशा। Oh, ये हमारा है। Oh yeah. And ये दो beds हैं इसमें। कुछ foot rest दिया है। हाँ, and there is light also, light switch button is there. Yeah, और उसके साथ हमें इन्हें दिए हैं ये leg warmers, क्योंकि यहाँ पर leg में सबसे ज्यादा ठंडी लगती है, तो हम लोग ये लगा सकते हैं। इग्लू में सिर्फ एक रूम है, इनका किचन और टॉयलेट का पीछे है, और अभी कुछ आई थिंक एक्सप्लेन करना है, तो लेट्स गो। So as you can see, we have a little bit of Maya symbols right over here. He developed something, yeah, like a really big balloon. So this is the base, and then on top of the machine, there goes a lot of snow, so that the inner structure, is based on the balloon, and then all the snow goes on top. Now we will be doing the ice sculptures. Yes. What you are making, Divya? Vase. Vase? आप क्या बना रहे हैं निशा जी? We are trying to make a camera. I'm helping Anantya. ये आइडिया किसका था कैमरे का? मेरा, क्योंकि I love shooting. Okay.
exciting now. Yes. तो हम लोग आ गए अपने इग्लू रेस्टोरेंट में. आधा खाना तो सर्व हो गया है और अभी आधा बच रहा है और ये खाना बड़ा यम्मी सा लग रहा है. थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, बट दैट्स ओके. सो या हमारे पास यहाँ पर ब्रेड भी है. ब्रेड को काट दिया है पीसेस में ऐसे, इसलिए वो ऐसे लग रही है. तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ये मिल गया है थोड़ा सा पैन टाइप. हमें क्या करना है, अपनी ये स्टिक लेनी है, रॉ चिकन में ऐसे डालनी है लाइक दिस फॉर एग्जांपल. और फिर अपने जो पैन है, हॉट पैन जिसमें ऑयल है, उसमें 2 to 3 minutes के लिए डिप करके रख देना है. फिर जब जैसे ही बाहर निकालेंगे इट विल बी कुक्ड और हम लोग फिर वो यमी यमी खाएंगे. बट अभी ये ऑयल अभी गर्म हो रहा है और फिर हम लोग अपना रॉ चिकन डिप करेंगे. कैसा है अभी तक का एल्पिन इग्लू का एक्सपीरियंस? वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, बट ठंडी बहुत लग रही है. इट्स सो यम्मी. चिकन थोड़ा हार्ड है बट यम्मी भी है बहुत. एंड सॉस है और सॉल्ट के साथ खाएंगे तो यस. तो डिनर के बाद में आ रही हूँ रूम में और अब हम लोग क्या करेंगे, सोएंगे, खेलेंगे, आईपॉड देखेंगे और फिर बॉनफायर का टाइम आ सकता है. अभी बॉनफायर भी जाएंगे हम, क्योंकि तो अब हम लोग आए हैं फायर मार्च बॉनफायर के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. Are you ready? Are you ready? Go, Anantya, yes! Yay! So how was your experience? Very nice. We have gone to the torch march. You are enjoying the bonfire. Yeah, we it was so deep inside. We ran a lot. It was so much fun. मार्च में तो बहुत मज़ा आया और अब वो लोग ब्रेड दे रहे हैं जो हम लोग बॉनफायर में थोड़ा सा गर्म करके खाएंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड. Besten immer so ein bisschen drüber, nicht ganz ins Feuer, nicht das. Sat? Art? Art? No. No? Das. Das. Now you know it in German? Do you want to know it in German? Yeah. Okay, let's start. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Horror activities ready. टुडे आई लर्न सम जर्मन. बहुत अच्छा था दिन था आज और अब हम लोग जाएंगे सोएंगे. बहुत नींद आ रही है. बाकी लोग तो जा रहे हैं बट मेरा तो चैलेंज 24 hours इन स्नो है तो मैं लैंड पर नहीं जा सकती. तो मैं मिस आनंद को रेडी कर रही हूँ फॉर दी 24 hours चैलेंज. मिस आनंद को पैक किया जा रहा है. आप कैटरपिलर जैसी लग रही हो. सो दैट मिस आनंद वीडियो बनाने के लिए रेडी रहे. फाइनली अब मैं पैक्ड हो गई हूँ अपने स्लीपिंग बैग में. आई होप इसमें ठंडी ना लगे इग्लू में. और हाँ, और बस कल सुबह उठेंगे फिर 1-2 घंटे बचेगी और फिर मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट. कोई भी प्रॉब्लम हो मम्मा को कॉल कर लेना. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. और अब इग्लू का सफर थोड़ा सा ही खत्म होने वाला है. बाहर स्नोफॉल हो रही है. नींद तो बहुत अच्छे से आई, कोजी कोजी था बट बहुत टफ था. तो अब मॉर्निंग टाइम हो रहा है, स्टिल स्नोफॉल हो रही है. हम लोग नीचे जा रहे हैं. मैं इग्लू को बहुत मिस करूंगी और हाँ, मैं थोड़ी सी खुश भी रहूंगी और थोड़ी सी दुखी भी. तो चले. यस मम्मी, आई एम वेरी एक्साइटेड. तो स्नो में चलते चलते तो मैं थक गई और अभी हम लोग पहुँच गए हैं. और पहली चीज़ मैंने नोटिस की ये गंगी बियर्स. तो मैंने पापा मम्मा की भी चुरा ली बट उन लोगों ने मुझे अलाउ कर दिया क्योंकि पापा मम्मा गंगी बियर्स नहीं खाते. यस, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं. Thank you, Mama.
किया था आपने और फाइनली मैं लैंड में आ गई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको तो पता है लाइक करना क्योंकि मैंने ऐसे ही आपके सिर्फ और सिर्फ आप क्लिक कराए और हाँ शेयर कर देना ताकि आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी ये फन देख पाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे जब इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स चैलेंजेस आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा तो उसके साइड वाले बेल बटन को क्लिक करना पता चल जाएगा मैं ऑनलाइन आई हूँ और मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना भाई बताना और मेरे टिकटॉक भी हुआ है तो मैं साधन को भी जरूर फॉलो करना और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अनंते आपने पीछे देखो क्या है।